हेलो एवरीवन, काफ़ी वक्त से ये कंट्रोवर्सी न्यूज़ में बनी हुई है, बट चूंकि अब ये ऑफिशियल हो चुका है, इसके लिए मैं आपके लिए इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ। तो क्या इसकी पूरी कहानी रही है अलॉन्ग विद द स्टैटिक फैक्ट्स, जानते हैं। 17 जनवरी 2022 को CNN में आर्टिकल ये पब्लिश हुआ है, और जो कहता है कि नोवाक जोकोविच लीव्स ऑस्ट्रेलिया आफ्टर कोर्ट रिजेक्ट वीज़ा चैलेंजेस। आप जानते होंगे कि नोवाक जोकोविच काफ़ी समय से कंट्रोवर्सी में रहे हैं अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। एक बार स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में नज़र डाल लें, तो पहले हमें जानना ज़रूरी है ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम रिफर्स टू दी अकम्पलिशमेंट ऑफ विनिंग ऑल फोर मेजर चैंपियनशिप ऑफ द टेनिस इन अ सेम कैलेंडर ईयर। आप जानते होंगे कि 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं। फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड इज फ्रेंच ओपन, थर्ड वन इज विम्बल्डन, एंड फोर्थ वन इज यूएसए। तो जो एक ही साल में ये चारों के चारों स्लैम्स जीत लेता है उसको ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिलता है। इसको कैलेंडर स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। एक बार नज़र डालें अगर हम इन्हीं स्लैम्स के बारे में, तो ये इन्हीं क्रोनोलॉजी में इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फॉलोड बाय फ्रेंच, देन विंबलडन, एंड दी लास्ट वन इज़ दी ऑस्ट्रेलियन यूएसए ओपन। इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज़ दी ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट इज़ दी विंबलडन जो कि खेला जाता है हमारा ग्रास ग्रास कोर्ट पर, एंड द न्यूएस्ट इज़ दी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हमारा खेला जाता है हार्ड सर्फेस पर। एक और टर्म आती है यहाँ पे, गोल्डन स्लैम। गोल्डन स्लैम किसे कहते हैं? गोल्डन स्लैम उसे कहते हैं कि जो कि एक ही साल में ये चारों के चारों ओपन जीतता है, अलॉन्ग विथ दी उस साल के होने वाले ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीतता है। तो मतलब यहाँ पर हमें 5 टूर्नामेंट जीतने होते हैं। ये खिताब आज तक सिर्फ एक ही एथलीट को मिला हुआ है, जो कि स्टेफी ग्रैफी, एंड इन्होंने आज तक इन्होंने ये गोल्डन स्लैम जीता था इन देयर ईयर ऑफ 1988 सियोल ओलंपिक्स के दौरान। अगला एक और टर्म आता है यहाँ पे, कैरियर गोल्डन स्लैम। कैरियर गोल्डन स्लैम वो होता है कि जिन्होंने ये गोल्डन स्लैम का चारों खिताब जीते हों, बट नॉट इन अ सिंगल ईयर, मतलब कभी ना कभी उन्होंने चारों के चारों स्लैम्स जीते हों अलॉन्ग विद अ गोल्ड ओलंपिक्स। ये खिताब आज तक सिर्फ दो एथलीट ने हासिल किया है। फर्स्ट वन इज़ दी आंद्रे अगासी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एंड सेकेंड वन इज़ दी राफेल नडाल ऑफ दी स्पेन। एक और यहाँ पर, चूंकि अभी टेनिस काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप टोक्यो ओलंपिक्स के भी मेडलिस्ट को जाने। ये है वुमेन सिंगल की और ये है मैन सिंगल की लिस्ट, आप इसको अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अब हम इशू पर आ जाते हैं। जैसा कि कोरोना का अभी समय चल ही रहा है और बहुत सारी कंट्रीज थर्ड वेव फॉलो कर रही हैं, तो इस यहाँ पर आता है वैक्सीन मैंडेट। वैक्सीन मैंडेट का मतलब ये होता है कि हर कंट्री के एक सेट ऑफ रूल हैं जो कि कंट्री में रहने वालों को या कि बाहर से आने वालों को फॉलो करना पड़ता है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया, टेनिस ऑस्ट्रेलिया वो कमीशन है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स कराती है। इसके भी सेम कुछ ना कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर एथलीट को फॉलो करने पड़ते हैं, और टेनिस ऑस्ट्रेलिया ही अलाउ करता है सम ग्राउंड्स ऑफ मेडिकल एग्जम्पशन, जिसके मेडिकल एग्जम्पशंस एथलीट को मिल सकते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं कि कार्डियक इलनेस से अगर किसी को किसी की मेजर सर्जरी हुई है, लास्ट 6 मंथ में किसी का अगर कोविड डायग्नोसिस हुआ हो, तो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जोकोविच का क्या स्टैंड रहा था। तो जोकोविच काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन। ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ आप सब भी पढ़े मेरे साथ, जो कि कहता है कि पर्सनली आई एम अपोज टू वैक्सीनेशन, एंड आई वुडेंट वॉन्ट टू बी फोर्स बाय समवन टू टेक वैक्सीन। मतलब अगर आप इस वर्ल्ड क्लास एक एथलीट रहे, विच यू आर अ इंस्पिरेशन ऑफ मैनी यूथ, उसके बाद अगर आप इस समय इस टाइप का स्टेटमेंट पब्लिकली देते हैं, तो विच आई बिलीव इज नॉट अ गुड साइन ऑफ मीन्स रिस्पॉन्सिबल एथलीट। जून 2020 में ये अलॉन्ग विथ हिज वाइफ कोविड पॉजिटिव भी हो चुके थे, बट इसके बाद भी मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने अभी वैक्सीनेशन लिया होगा। इसका क्या रिस्पॉन्स होता है? इसके बाद ये स्टेटमेंट देने के बाद जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन टेनिस के साथ एक एग्जम्पशन मांगा था कि उनको ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स खेलने के लिए दिया जाए विदाउट टेकिंग दी वैक्सीन शॉट। ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स में ने इनका एग्जम्पशन भी अप्रूव कर दिया था, इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया लैंड किए गए थे। जोकोविच इज नॉट दी ओनली सिंगल वन जिसका एग्जम्पशन इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टेनिस ने अलाउ किया था, कुछ और भी एथलीट रहे थे जिनके लिए ये छूट दी गई थी। इसके बाद का कहानी बढ़ती है, जैसे ही ये जोकोविच ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, इनको ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने डिटेन कर लिया था। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिटेन का मतलब ये नहीं है कि उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, डिटेन का ये मतलब है कि उनको होटल क्वारंटीन कर दिया गया था और खेलने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो जिस समय इनको होटल क्वारंटीन किया गया था, उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के खिलाफ, या कह सकते हैं टेनिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई थी इनके द्वारा। काफ़ी समय तक कोर्ट केस चलता रहा, और अब फाइनली इनके कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ही विल नॉट बी अलाउड टू
पार्टिसिपेट इन दी विम्बल्डन बिकॉज ऑफ दी कंट्रीज कोविड प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है स्कॉट मॉरिसन, आप जानते होंगे स्कॉट मॉरिसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इतना बड़ा कंट्रोवर्सी में इनका स्टेटमेंट आना काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप माना जाता है। इन्होंने कहा था कि मिस्टर जोकोविच वीज़ा हैज़ बीन कैंसल्ड, रूल्स आर रूल्स स्पेशली वेन इट्स कम टू बॉर्डर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है वैन इट्स कम टू द कोविड। यहाँ के देश इस देश में अगर 2 से 5 केस भी आ जाते हैं तो सिटीज़ में लॉकडाउन लग जाता है, विच आई बिलीव विच इज़ अ गुड मूव बाय एनी गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और इशू आता है एथिकल इशू, क्या हम किसी को फोर्स कर सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए विद और हर विल, और इन पब्लिक और मास हेल्थ क्राइसिस फ्री विल्स कम विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन, क्या आपका इशू है बताइएगा कमेंट में, इसके बारे में लिखिएगा, मैं जानना चाहता हूँ। बिफोर वी एंड द वीडियो एक क्वेश्चन आपके साथ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, विच ग्रैंड स्लैम ओपन इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस ओपन। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, बी फ्रेंच ओपन, सी विम्बल्डन ओपन और डी यूएस ओपन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन। स्लाइड्स में भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा।